दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के जैसा कि स्क्रीन पर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा अगर आप भी चाहते हैं एक पोर्च के शायद एक शानदार घर का डिजाइन तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें पोर्च भी है बारंदा भी है स्टेयर्स भी है लेडबाथ भी है बेडरूम्स भी है किचन भी है सारी डिटेल आपको मैंने इस वीडियो पर कवर की है इस वाले और मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको लाने वाला हूँ काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दस सर मुझे एक ऐसा प्लान दीजिए जो लगभग पाँच लाख रुपये में कंप्लीट हो जाए तो पांच लाख के हिसाब से पांच लाख में जो बजट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं इस घर को आगे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा बनाने वाला हूं तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि पांच लाख तक में कोई ऐसा डिजाइन बने जो बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन हो और कम से कम लागत तो मतलब पांच लाख के अंदर घर बन जाए तो चलो आज का जो मॉडल है उसे हम डिफाइन कर लेते हैं ये भी बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है तो इसका दोस्तों टू मॉडल हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ ये पूरा मॉडल होने वाला है जैसा कि आपने मैंने स्टार्टिंग में बताया है बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन प्लान अगर बात करें ये आपके सामने मैंने तैयार किया है जिसमें आपको बेहतरीन सा पोर्च का डिजाइन साथ साथ देख सकते पोर्च और आपको एक बारंदे का डिजाइन भी देखने को मिलता है साइड से जब मैं दिखाऊंगा अभी जब टॉप व्यू तब आपको क्लियर कर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बहुत ही प्यारा मॉडल आज मैंने क्रिएट किया है इसी मॉडल को आज के साम आपके सामने आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं आज इसकी ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं वहीं बात करें इसकी डिज़ाइन वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों ये ओपन मतलब एक खेत में मकान बना हुआ है इस वजह से मैंने विंडो वगैरह लगा रखी है चारों तरफ अगर आपके पास स्पेस कम है केवल फ्रंट में है तो आप साइड वाली विंडो हटा सकते हैं तो फ्रंट से आपका ये बहुत ही बेहतरीन और गजब का लुक देखने को मिल रहा होगा इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर ओवरऑल बनकर रेडी हुआ है सबसे पहले दो प्लर आपको मिलते मिलता है जिसपे डिजाइन आपको देखने को मिलेगा इसके बाद फिर बारंदे वाले चार प्लर आपको एक शीट में मिलेंगे उस पर भी मैंने डिजाइन बनाया है साइड से भी डिज़ाइन बना हुआ है देख सकते हैं चारों तरफ से ये बारंदे और पोर्च में आपको ये वी शेप का जो डिजाइन है यू और वी का कॉम्बिनेशन बना है पिलर थोड़ा हटके आपको मैंने क्रिएट किए हैं तो आपका मेन डोर ये होने वाला है लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड बेडरूम्स है तो इसलिए मैंने विंडो दिया है देख सकता है तो आप जैसे यहां से एंट्री करते हैं सबसे पहले आप पोर्च में जाते हैं इसके बाद आपको मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ ये आपको बारंदा देखने को मिलता है जहां पे आप एंट्री करेंगे जब आप ऐसे देखेंगे तो ऐसा आपको समझ में आएगा बारंदे का लुक और पोर्च को एक साथ इसके बाद मेन डोर से एंट्री करती है आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक एक बेडरूम देखने को मिलता है जिसके लिए मैंने डोर विंडो भी बाहर से दी है वेंटिलेशन के लिए डोर अंदर से है देख सकते हैं और बड़ी सी गैलरी इसके बाद आप पीछे पहुंचते हैं तो कॉर्नर पर भी आपको दो बेडरूम देखने को मिलते हैं सबसे पीछे वाले कॉर्नरों पर देख सकते हैं दो बेडरूम्स उन दोनों बेडरूम्स के बीच में आपका किचन मैंने क्रिएट किया है राइट हैंड साइड आपका स्टेयर्स लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों आपका लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट कर रखा है देख सकते हैं तो चार बेडरूम किचन लेट बात स्टेयर आगे आपका बारंदा और पोर्च का डिजाइन ये घर के आपको चार चांद लगाता है दोस्तों घर अगर आप बनवाइए ग्रामीण क्षेत्र में तो एक तो पोर्च अगर आपके घर में बनता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही लग्जरी लुक आपके घर का देखने को मिलेगा तो ये पूरा मॉडल देख सकते हैं अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की तो जैसा कि दोस्तों मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इसका लास्ट फ्लोर देख सकते साढ़े तीन फिट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ फ्रंट में आपको बेहतरीन सा आपको मैंने डिजाइन दिया है जो कि आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो आपको थोड़ा राउंड शेप दिखेगा जब आप ये ग्रिल वगैरह बनवाइएगा ना तो राउंड शेप में आगे वाला देखिए तीनों पोर्शन आपके राउंड शेप में बने हैं और साइड में कोई चेंजमेंट वगैरह नहीं किया है दोनों तरफ आपकी ही जगह थी इस वजह से मैंने ढाई फीट इधर भी छज्जा निकाला है ढाई फीट इधर भी निकाला है मतलब तो ढाई फीट का अप्रॉक्स चारों तरफ छज्जा निकला हुआ है अगर आपकी जगह नहीं तो आप इस ढाई फीट को हटा सकते हैं तो ये एक बेहतरीन मॉडल ओवरऑल विथ पोर्च के डिज़ाइन किया है मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो आपको मॉडल कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि ये ये मॉडल आपको बहुत ही पसंद आया होगा आप दोस्तों हमें इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अब हम बात करते हैं इस मॉडल में कॉस्ट कितना आएगा इसमें पैसा कितना लगेगा बनवाने में तो इसके लिए दोस्तों मेरा एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा वहां पर आपको लंबाई चौड़ाई वगैरह सब डालनी होती है इसके बाद आसानी से घर में कितना मेटेरियल लगेगा कितना ईंट लगेगा कितना आपका बालू